बनेगा लाइट। ओके स्टार्ट करते हैं शीट नंबर 96। शीट नंबर 96 यही है ना? हाँ राइट, शीट नंबर 96 चैप्टर नंबर बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी किया और देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे काम करता है। तो आज हम करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और साथ में दो तीन चीजें और भी नहीं करेंगे। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के बाद आज जो हम करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या फिर दूसरा नाम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ तो फोर्स को एफ वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी को ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और कई बुक्स आई वेक्टर से भी करती हैं। ये दूसरी टर्म है जो आज हम स्टडी करेंगे, हमने ये कर लिया, ये आज हम करेंगे। तीसरी टर्म जो आज हम स्टडी करेंगे वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका सिंबल यू है, यू ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है। और लास्ट जो आज हम करेंगे वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होता है ना पोटेंशियल वी, ऐसे इसके अंदर भी होता है पोटेंशियल वी। तो हम चार डेफिनेशंस और चार जो है कॉन्सेप्ट्स को आज इकट्ठे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हमने ये कर लिया, हम यहां से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे नीचे आएंगे और फिर मैं लगा के दिखाऊंगा न्यूमेरिकल में ये लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमने डिस्कस किया था उसमें दो मासेज हैं M1 M2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r। ये दोनों मासेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, जी M1 M2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर। और नेक्स्ट जो टर्म है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसको ई वेक्टर या ई से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी का मतलब क्या है? अर्थ अपने आसपास किसी भी चीज को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। आप जितना पास होंगे अर्थ के आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा मिलेगी और आप दूर जाते जाएंगे फोर्स उतनी कम हो जाएगी। हम कभी कभी ऐसे बोलते भी हैं कि दूर जाने में अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फील्ड को या अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड वीक होता जा रहा है। पास हो तो स्ट्रॉन्ग है, दूर जाने में फील्ड वीक है, ऐसा भी सुना है हमने। तो इसका मतलब कि इस अर्थ के आसपास एक ऐसा स्पेस, ऐसी जगह जहां पर अगर किसी भी मास को रखा जाए तो वो मास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर खड़े हुए हैं। अगर मैं बाहर चला जाऊं अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से मास को लेके, तो अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब मैं ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया हूं। तो फील्ड क्या हुआ? फील्ड तो जगह हुई जहां पर अर्थ हमें अट्रैक्शन की फोर्स लगा सकती है। और मैंने जैसे कि मैंने कहा कि जितना ज्यादा आर बढ़ता जाएगा, दूर जाते जाओगे फोर्स उतनी वीक होती जाएगी, और अगर पास रहेंगे तो फोर्स उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। क्लियर है यहां तक? अब इस जो हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, अब इसको मेजर भी तो किया जा सकता है। जब मैं बोल रहा हूं स्ट्रॉन्ग है वीक है तो कोई मैं थ्योरी में थोड़ा कह रहा हूं स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है और दूर जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक है, कम है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को अगर हम मेजर करें, इसकी जो स्ट्रेंथ है कहीं पर ज्यादा है, स्ट्रेंथ कहीं पर कम है, वो स्ट्रेंथ को क्या टर्म, क्या नाम दिया गया? इंटेंसिटी। स्ट्रेंथ का मतलब इंटेंसिटी। तो और सिंबल का नाम क्या दिया गया?
ई वेक्टर। ऑब्वियसली अगर सिंबल डिफरेंट है तो ये फोर्स है तो कम से कम डिफरेंट है। इसको निकालने का तरीका होता है कि ई वेक्टर को निकालने का तरीका फोर्स वेक्टर अपॉन मास। तो जो भी कोई मास फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको मास से डिवाइड करेंगे तो ई आ जाएगा। मैं लगा के दिखाता हूं। जैसे सपोज ये अर्थ है, अर्थ का मास बड़ा एम है, अर्थ का रेडियस कित अर्थ से कितने डिस्टेंस पे छोटा मास लिया मैंने, स्मॉल आर। सारे डिस्टेंसेस कहां से लेने हैं, फ्रॉम सेंटर। तो मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट पर फोर्स एक्सपीरियंस बाय छोटा एम क्या है, जी बड़ा एम इंटू छोटा एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, ये फोर्स एक्सपीरियंस है। लेकिन मेरे को यहां पर फोर्स नहीं निकालनी, अगर फोर्स निकालनी होती फिर तो ठीक है, जी एम एम बाय आर स्क्वायर बात खत्म हो जाती है। मेरे को यहां पर ई निकालना है। मुझे किस पॉइंट पे ई निकालना है, जहां पर छोटा मास एम पड़ा हुआ है। और ई निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, ई वेक्टर क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय छोटा मास डिवाइडेड बाय छोटा मास, बड़ा मास नहीं, अर्थ का मास नहीं, पॉइंट मास जो हमने लिया ये वाला। तो जहां पर भी आपको ई निकालना है वहां जितना भी मास पड़ा हुआ है, पॉइंट मास, ऑब्वियसली ये मास इसके सामने बहुत छोटा है, पॉइंट मास है, अर्थ का मास तो बहुत बड़ा है। तो कोई ये ना कहे कि ये भी फील्ड लगाएगा, ये कोई फील्ड नहीं लगाएगा, तो यही अर्थ ही फील्ड लगाएगी। तो यहां पर अगर मैं ई निकालना चाहता हूं तो अर्थ ने इसको कितनी अट्रैक्टिव फोर्स से खींचा अपॉन इसका मास। तो फोर्स का मतलब जी बड़ा एम इंटू छोटा एम बाय आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय छोटा मास, मास से मास कैंसिल, आंसर आ गया। तो ई का फॉर्मूले में मास कौन सा लिया जाता है, अर्थ का मास या प्लैनेट का मास। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वैल्यू प्लैनेट के मास पे डिपेंड करती है, उस ऑब्जेक्ट के मास पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। लेकिन जब हम फोर्स कैलकुलेट करते थे तो फोर्स के अंदर प्लैनेट का मास भी आता है और ऑब्जेक्ट का मास भी आता है, दोनों मासेस आते हैं। कोई डाउट इसमें, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो दोनों में फर्क है। तो जो फील्ड लगाएगा वो कौन लगाएगा, अर्थ लगाएगी। लेकिन जब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो उसमें अर्थ के मास के साथ ऑब्जेक्ट का मास भी मैटर करता है। कोई डाउट इसमें। इन शॉर्ट क्या आपको ई का फॉर्मूला याद हो गया, जी प्लैनेट का मास बाय डिस्टेंस, जहां पर ई निकालना है उसका स्मॉल आर का स्क्वायर। अगर मुझे अर्थ की सरफेस पे ई निकालना है तो मैं रेडियस को क्या पुट करूंगा, ये डिस्टेंस को क्या पुट करूंगा, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। अब मेथड टू, अब मेथड टू के अंदर सपोज ये आपके पास अर्थ है। मेथड टू मींस एक, अगर फर्स्ट मेथड से सेटिस्फाइड हो तो बात खत्म करते हैं वहीं पर सेकंड मेथड भी सही है, थोड़ा आसान करेगा चीज को। ये मान लो अर्थ है, स्मॉल आर दूरी पे आपको क्या निकालना है, ई निकालना है। तो आप एक काम करें, यहां पर जो भी मास हम लेते हैं छोटा एम, वो तो अल्टीमेटली फॉर्मूले से कट जाता है ना, ऊपर देखा था वो तो कैंसिल हो जाता है, तो वो तो मैटर करता ही नहीं। हम एक काम करते हैं, जहां पर ई निकालना है वहां एक रूल बना लेते हैं, वहां पर छोटा एम लेते ही नहीं, वहां पर इमेजिन कर लेते हैं वहां पर यूनिट मास पड़ा हुआ है, बस 1 kg का मास है। और आप सिर्फ ये बताओ कि अर्थ 1 kg पे फोर्स क्या लगाती है, जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि 1 मास तो यहां दिख ही नहीं रहा आपको। तो सीधा आंसर आ जाता है, इसमें स्मॉल एम लेके स्मॉल एम से डिवाइड करने का कोई फायदा है ही नहीं। तो इसलिए शॉर्टकट क्या कहता है कि आप यहां जहां पर भी ई निकालना है वहां कोई मास ना ले, वहां 1 ले लें। और फोर्स एक्सपीरियंस बताओ कैपिटल जी कैपिटल एम की क्या होगी, जी एम बाई आर। मेथड नंबर 1 पसंद है वो कर लो, 2 पसंद है वो कर लो, सीधा फॉर्मूला याद करना है सबसे बेस्ट है वही कर लो, जी इंटू प्लैनेट का मास बाय स्मॉल आर का स्क्वायर, काम ही खत्म है। आपसे कोई ये तो ना पूछेगा कि कैसे निकाला, पर आपको समझ में आना चाहिए क्या है चीज है, क्योंकि ई का फॉर्मूला फोर्स अपॉन मास था ओरिजिनल फॉर्मूला, तो इसके यूनिट्स न्यूटन नहीं है, इसके यूनिट्स न्यूटन पर केजी है। कोई डाउट इसमें, फोर्स के यूनिट न्यूटन थे, इसके यूनिट न्यूटन पर केजी है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक राइट। तो इसके अंदर जैसे सपोज मेरा क्वेश्चन है कि आपके पास एक मान लो प्लैनेट है, लेट अस सपोज ये मान लो कोई भी प्लैनेट है जिसका मास अगर कैपिटल एम है, इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे अगर आपको ई निकालना है तो मुझे नहीं लगता आपको यहां पर किसी मास की जरूरत है, पुट करना है तो 1 पुट कर लो, अदरवाइज आपको ई की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, इस मास पे। तो बोलो क्या जी
कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, कोई डाउट इसमें? एंड क्योंकि ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी? जो फोर्स की डायरेक्शन है, क्योंकि ई का जो बेसिक फॉर्मूला है क्या, फोर्स अपॉन मास, तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन ई की भी होगी, सेम है। तो फोर्स ग्रेविटी की हमेशा अट्रैक्टिव होती है। जैसे अगर ये अर्थ है और यहां पर अगर मैं वन मास रखता हूं तो ये अर्थ इसे अपनी तरफ क्या करेगी, रिपेल थोड़ा ना करती है, अट्रैक्ट करेगी। तो अट्रैक्टिव फोर्स कहां जाएगी, टुवर्ड्स सेंटर। तो ई की डायरेक्शन भी कहां होगी, ऑब्वियसली टुवर्ड्स सेंटर। अगर फोर्स टुवर्ड्स सेंटर है तो ई वेक्टर भी टुवर्ड्स सेंटर है। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे आप फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करते थे कि कोई भी प्लैनेट किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ई की डायरेक्शन भी एग्जैक्टली सेम ही रूल फॉलो करेगी। अच्छा है, दो रूल नहीं है, एक ही रूल है, बात खत्म। कोई डाउट इसमें? तो ई निकालना आ गया। अब इस केस में जैसे कुछ एक दो एग्जाम्पल्स पे करके देखते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक एम वन मास है, एक M2 मास है। हमने ये क्वेश्चन लास्ट टाइम किया भी था, एक बार फिर रिपीट हो रहा है। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है। मेरे को ऐसा पॉइंट बताओ इसके बीच में, x बताओ, पॉइंट बताओ जहां पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाए। ये न्यूमेरिकल e का नहीं है, ये न्यूमेरिकल f का है, है ना? अब हमने दो कॉन्सेप्ट कर लिए, फोर्स भी और e भी। अब आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा ना, अगर उसने बोला नेट e जीरो है तो